स्टार्टिंग से पहले इस पूरे व्लॉग की नरेशन, इसमें जो मेन हिस्सा है जिसपे हम इस व्लॉग का टाइटल रखेंगे, जो आप लोगों ने देख लिया होगा, स्टार सेक्टर की कहानी मेरे पिताजी की जुबानी। वैसे वो कहानी ज्यादा लंबी नहीं है, आपको किसी दिन विस्तार में बताऊंगा, लेकिन हाँ टाइटल रखने में क्या जाता है। चलो बाय बाय, वीडियो देखो। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है 15th अप्रैल 2021 और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:15। हमने नाश्ता वगैरह सब कुछ कर लिया, पेट हमारा एकदम फुल हो चुका है। और भाई साहब कल रात को जो प्यारी नींद आई ना, कल मेरी लास्ट डोज थी, आज से नो डोज, वी आर डोज फ्री, कोई दवाई नहीं लेनी अब से हमने तो। और हाँ, कल मैंने देखा कि माइक की क्वालिटी में भाई साहब जमीन आसमान का फर्क आ रहा है, जब यूट्यूब पे चढ़ा मैं देख के हैरान, इतनी प्यारी क्वालिटी इस माइक की। ओहो, अभी भी मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखेगा नहीं, कैमरे में ही दिखेगा, आप लोग कैमरा कह रहा हूँ, मिरर में ही दिखेगा, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो, ये आप लोग, ये रहा वो माइक, कितना प्यारा वो आ रहा है, लेकिन मैं बैक कैमरे में स्विच नहीं करना चाहता तो, बट इसको बैक पे कर दो। हाँ, मैं बैक कैमरे पे स्विच नहीं करना चाहता, नहीं तो फिर दोबारा स्विच करना पड़ेगा, बड़ा झंझट का काम है। तो भाई साहब, आज का आइटनरी हमारी कुछ इस प्रकार है। अभी आज का दिन, अब से हमारा हर डे गो विद द फ्लो जा रहा है, कुछ होता ही नहीं करने को, कुछ प्लान होता ही नहीं आजकल, तो आज का दिन भी गो विद द फ्लो है। तो इसी नोट पे करते हैं आज की जर्नी शुरू, लेते हैं आज के दिन से एक नई जर्नी, एक नया एडवेंचर और एक नया एक्सपीरियंस। तो फाइनली अभी मैं हो गया हूँ तैयार चंडीगढ़ जाने के लिए। दो मिनट में लाइट ऑन कर दूँ, बढ़िया नहीं आएगा। हाँ बढ़िया आएगा, ये यार माइक करके ना फ़ोन थोड़ा पुठ के तरीके से पकड़ना पड़ता है, तो अपना फ़ोन ऐसे पकड़ेंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़ को, पिताजी को कुछ काम है, तो उन्होंने कहा तू भी तैयार हो जा, चल लेते हैं, थोड़ा घर पे बैठा बैठा भी बोर हो गया होगा। तो अब हम आपको मिलते हैं एक प्यारे से मॉन्टाज के बाद। फ़ोन गिरना चाहिए, गिरना चाहिए, गिरना चाहिए, नहीं गिरेगा, पकड़ बड़ी स्ट्रांग है। तो चलो मॉन्टाज के बाद ही मिलते हैं आप लोगों को चंडीगढ़ के प्यारे से। जो हमारा काम यहाँ पे होना था वो हो गया है, लोग बहुत ही ज़्यादा है तो व्लॉग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होएगा, आप लोगों को सीधा घर पे ही मिलेंगे। आज का व्लॉग शाम में कंटिन्यू करूँगा, आज का तो ज़्यादा बड़ा हो नहीं पाएगा। जो हमारा काम यहाँ पे होना था वो हो गया है, लोग बहुत ही ज़्यादा है तो व्लॉग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होएगा, आप लोगों को सीधा घर पे ही मिलेंगे। आज का व्लॉग शाम में कंटिन्यू करूँगा, आज का तो ज़्यादा बड़ा हो नहीं पाएगा। बज चुके हैं शाम के 5 और ये लो पिताजी आप अपना फ़ोन पकड़ लो, और अब आपको पूरी कहानी बताते हैं हम हमारे 9-10 बजे आ गए थे हम यहाँ पे, और अभी 5 बज चुके हैं। काम हमारा सॉलिड हो गया एक नंबर, जो काम करवाने आए थे, लेकिन भाई साहब मैं ब्लॉग नहीं कर पाया, इस बात का दुख है। दो मिनट मैं पापा को दूसरा फ़ोन दे दूँ उनका, वो चाहे थोड़े से टेंशन है दूसरे फ़ोन के लिए। ये लो अब मैं ब्लॉग कर पा रहा हूँ आराम से, और अभी हम सतारा में, हमारा जो काम यहाँ पे ऑफिस में हो रहा था हो गया। कभी हम 44 के चक्कर लगा रहे हैं, कभी सतारा के, मतलब टू एंड फ्रो ही हो जा रहा। और मेरे पैरों में जो दर्द हो रहा है ना, अभी पैदल नहीं गाड़ी में चक्कर लगाए थे, लेकिन सतारा की ब्यूटी भी साली शाम में ही है, बिल्कुल ही अनएक्सप्लोर्ड सा एरिया है सतारा का। यहाँ पे देखो आप लोग, बिल्कुल ही न्यारा सा एरिया, मैं भी कभी नहीं आया, और भाई साहब व्लॉग बिल्कुल भी नहीं कर पाया आज। मैं ऑफिशियल एरिया सतारा का, मेरे हिसाब से डीसी का ऑफिस है यहाँ पे, डीसी का ऑफिस यहाँ पे है, और बाकी जो बाकी जिन्हें भी एसएसपी वगैरह है, एजी है पंजाब हरियाणा। ये पहले जगत थिएटर हुआ करता था कभी के टाइम में, जगत थिएटर कभी के टाइम में बहुत ही फेमस थिएटर था जगत थिएटर। चलो हमें स्टार के बारे में नई चीजें पता लगी आज। अब तो हम, अब हमने वैशाली से दोबारा 44 जाना है ना, 44 जाना है हमने दोबारा से, वहाँ पे किसी के घर जाना है। हमने मुनी के घर से ही काम कर रहे थे, टू एंड फ्रो। एक्चुअली मेरे फ्रेंड का घर है, तो पापा को भी इतना आइडिया नहीं है। तो चलो 44D देखा, याद आ गया। अब तो आप लोग बैक कैमरे से जाओ, और आज का व्लॉग छोटा है, तो प्लीज़ देख लेना प्लीज़। भाई सब बड़ी थकावट होगी, लेकिन सतारा मज़ेदार है, एक बार आपको बैक कैमरे से मोंटाज में दिखा।
खरीदने लिए अभी हम लोग अपनी गाड़ी के पास पहुंच गए हैं। और भाई साहब हमने 44 जाना, 44 का तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि उसने साफ मना किया है अभी मेरे को ब्लॉग में मेंशन ना करिए। मैं किसी दोस्त को नहीं पसंद ब्लॉग में आना, पता नहीं क्यों, या तो सालों की गांड फटती है या अगलों की चलो अपनी प्राइवेसी लाइफ है। तो चलो अब आप लोगों से सीधा हम अपने घर पे ही मिलेंगे जहाँ पे हम आराम से कंफर्टेबली ब्लॉग कर सकते हैं। फाइनली अभी हम लोग आए हैं सेक्टर 23 में। मैं यहाँ से कुछ फ्रूट्स वगैरह पिक करने थे तो वो पिक करने आया हूँ, तो पिक करके बताता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों से। हमने फ्रूट्स लेने थे वो हमको मिल चुके हैं, ये हमने ले लिए। मैं गाड़ी की तरफ भाग रहा हूँ तो मिलता है आप लोगों को सीधा घर पे। फाइनली अभी बच चुके हैं शाम के 7:30 और घर आ गए हैं वापस। मेरे को कुछ नहीं आइडिया आज का व्लॉग कितना बना जितना बना, सारा पालू का सारा A to Z। और आज की आइटनरी हम थोड़ी सी आपको क्लब कर देते। सबसे पहले तो हम गए सेक्टर 17, फिर हम गए सेक्टर 44, फिर हम आए 17, फिर हम आए 44। 17 हम 2 घंटे के लिए रहे, टोटल 4 घंटे के लिए रहे, और 44 हम रहे 2 घंटे के लिए। तो आज हमारा पूरा दिन बस ऐसा ही गया। सांस फूल की है मैंने रैप करके तो हुए। तो इसी नोट पे करते हैं हम आज की वीडियो को एंड। होप करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये 17 सेक्टर की जुबानी 17 सेक्टर की कहानी मेरे पिताजी की जुबानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। कल फिर मिलते हैं एक नवे एडवेंचर और एक नवे एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन बाय बाय, पीस आउट, लव यू।